गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हो आप सब। और एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने चैनल इंडियन यूट्यूबर सोनी ब्लॉग्स में। और आप ये सोच रहे होगे कि दीदी ये बार बार चुन्नी को क्यों ठीक कर रहे हो भाई। सूर्य देवता ने ऐसा प्रकोप किया है, अब जो है गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही। मैंने घूंघट निकाल रखा है लंबा सा और हवा से थोड़ा थोड़ा ये उड़ रहा है, तो मेरा चेहरा आपको दिख रहा है। और मेरे आज ना इतने चक्कर लग चुके हैं यहाँ के मकान के, मेरी स्किन अभी इस हालत में नहीं है कि मैं और जो है सूरज देवता का प्रकोप बर्दाश्त कर पाऊँ। तो मैंने थोड़ा सा ना घूंघट की हेल्प ली है भाई। और क्या करें, मजबूरी हो गई है, क्या करें भाई। इतना तेज़ धूप है, बर्दाश्त नहीं होती, हमसे ही नहीं बर्दाश्त होती, बच्चों से तो फिर कैसे बर्दाश्त होगी। और अभी टाइम है 2:45 के आसपास, 2:30 के आसपास का टाइम है। आज थोड़ा जल्दी जा रही हूँ चाय देने, क्योंकि पुट्टी वाले जो नहीं, पुट्टी नहीं, POP वाले जो भैया हैं वो लगे हुए हैं और उनको ना चाय जल्दी चाहिए। मैं कहा ठीक है मैं ले आऊँगी, और बोले कि ना 2 बजे दे जाना, फिर 4 बजे दे जाना। मैं कहा भैया एक बात ही सी है, एक बार बोतल भर के दे जाऊँगी, अपने सारा दिन पीता नहीं अच्छा। बच्चों के साथ मैं ऐसे बार बार थोड़ी ना आ सकती हूँ। तो मैंने ये बोतल भर दी है, ये वाली जो बोतल लेके जाती हूँ ना, ये मैंने भर दी है। और भाई एकदम सामने से धूप पड़ रही है बिल्कुल, आप देखें फिर देख लेती हूँ मैंने क्या क्या काम किया, क्या क्या डिज़ाइन जो है वो बनाए हैं। और बस भाई अंदर चल के मैं बात करूँगी, अभी तो ना कहीं ऐसा ना घूंघट के चक्कर में और बातों के चक्कर में ना मेरा पैर वैर कहीं पर मतलब ठोकर वोकर लग जाए और यहाँ पर मैं चोट खा लूँ। तो इससे अच्छा है कि मैं वहाँ जाकर दिखाती हूँ अभी काम क्या चल रहा है। पुट्टी वाले भैया क्या क्या मतलब POP वाले भैया क्या काम कर रहे हैं, आज लगे हैं तो हफ्ते में एक वीक में तो जो उनका काम ख़त्म हो ही जाएगा। चलो फिलहाल चलते हैं। और जो फर्स्ट टाइम विजिट करा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना विद द बेल आइकन, बेल आइकन है उस पर ऑल पर क्लिक कर देना ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर आ जाए और आप मेरे सारे ब्लॉग जो है वो देख पाऊँ। और किस किस को इतनी भयंकर गर्मी लग रही है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सो यहाँ पे देखो मैं इस रूम की, इसमें POP का काम चल रहा है। पहले इसको ना एकदम प्लेन करेंगे सबसे ऊपर छत को, और यहाँ पे भैया लगे रहे थे, उसकी जो है वो मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी। और बेचारे इतने लाखों किलोमीटर दूर आके मेहनत करते हैं ये लोग, और इन लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है, ना ज़्यादा वेस्टेज किए ना कुछ, और बहुत ही मेहनती हैं। और मतलब कितनी मजबूरी हो जाती है इनकी अपने परिवार से दूर रहकर, पता नहीं कितने किलोमीटर दूर, लाखों किलोमीटर दूर, हज़ारों किलोमीटर दूर आके ये लोग जो है यहाँ पर काम करते हैं, मेहनत करते हैं। और रियली में बहुत बहुत अच्छा काम किया हुआ था इन्होंने, एक दिन में ये एक रूम जो है इन्होंने पूरा का पूरा जो कंप्लीट कर दिया था, और ये घोलने का काम कर रहे थे यहाँ पे। सो गाइस अभी जो है मैं आपसे मिल रही हूँ डायरेक्ट शाम को, और वरुण बच्चे TV देख रहे हैं। और अभी टाइम हो गया है, ये देखो 7:15 का टाइम हो गया है, और मुझे ना सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है मेरे को सिर में। अभी आने के बाद मेरे मकान से आई ना, अभी चाय वगैरह पी है मैंने, और इतना सिर में दर्द हो रहा है, दोपहर से ही हो रहा है, क्योंकि आज ना मकान के इतने चक्कर लगे हैं वहाँ के POP वाले भैया लगे हुए थे ना, इसीलिए बहुत चक्कर लगे। और फिर क्या हुआ मतलब सुबह मॉर्निंग वाला था आज, मेरा कोई चक्कर था ही नहीं वहाँ पर। और फिर मैं 9 बजे के आसपास गई थी, तो वहाँ से ही 9:45 आने के बाद फिर खाना वाना बनाया, झाड़ू पोछा बर्तन बहुत कुछ होता है, सारा काम करने के बाद मैं सोचा थोड़ी देर में रेस्ट करती हूँ। तो फिर थोड़ी देर में हिमांग को लेकर लौटी, क्योंकि हिमांग भी ना फिर थोड़ा जल्दी उठ गया था, और लेटी जब ना हिमांग को लेकर तो हिमांग तो सो गया, और जैसे ही मेरी आँख लगी ना 10-15 मिनट के बाद जो है बाहर दरवाजे पर इतनी ज़ोर से खटखट खटखट हुई, और फिर बाहर लोहे का गेट है ना तो और भी ज़्यादा अजीब सी आवाज़ आती है, तो एकदम मेरी आँखें खुली। और फिर उसके बाद मैंने देखा तो बाहर है मतलब ऐसे ही कोई रैंडमली कोई ना कोई आता ही रहता है, मतलब कभी चंदा मांगने वाले, मतलब कभी किसी नाम का चंदा, कभी किसी नाम का चंदा। फिर मैं नींद में थी, और इतनी देर में साइड में जो मेरी फ्रेंड है ना जो साइड वाले घर के, तो वो निकलाई, वो नाइट ड्यूटी करके आई थी, उनकी बेल बजा थी, तो वो भी सो रही थी, उसकी नींद डिस्टर्ब हो गई।
ना उनको गुस्सा कर दिया। इवन मतलब किसी भी टाइम पे ये मतलब ये कह के कि लोग तुम लोग आ जाते हो ये भी नहीं देखते, कोई नाइट ड्यूटी करके भी आया होगा, क्योंकि एक लेडी को जो चाहे वो नाइट ड्यूटी करे डे करे, डे में भी सुबह करके जाती है शाम को आके करती है, नाइट में भी नाइट ड्यूटी करके आती है फिर आके भी घर का काम करती है। बेशक चाहे हस्बैंड हेल्प करते हों, इनके हस्बैंड बहुत सपोर्टिव बहुत हेल्प करते हैं इनके काम में, लेकिन जो बेसिक चोर्स होते हैं घर के काम जो होते हैं वो तो जो एक लेडी कर सकती है तो वही करती है। तो फिर वो भैया ना मेरे को बिना बोले चुपचाप फिर वो चले ही गए। तो फिर मैं वापस नींद ही नहीं आई, फिर मेरे को सिर में दर्द हो गया क्योंकि मेरी नींद ऐसी है कच्ची, एक बार अगर उचट गई ना तो वापस दोबारा नींद ही नहीं आती। और फिर उसके बाद दोपहर को मैं चली गई उधर, एक बार फिर से जाना पड़ गया मेरे को। फिर वो क्या नाम है, मैं डिज़ाइंस वगैरह देके आई वहाँ पे, POP ये डिज़ाइंस, और फॉल सीलिंग हम नहीं करवा रहे हैं, हम POP करवा रहे हैं, मुझे फॉल सीलिंग पसंद नहीं है। तो POP डिज़ाइन दे के आई, फिर मैं वापस आई, फिर वो भैया बोले उसी टाइम की ना 2 बजे चाय दे देना। मैं कहा भैया 2 बजे तो मैं नहीं आ पाऊँगी, मैं 2:30 देखती हूँ। और फिर बोले कि एक बार 2 बजे दे देना, एक बार 4 बजे, मैं कहा एक साथ सारी चाय दे जाऊँगी मैं, गर्म वो जो बॉटल होती है ना चाय वाली या दूध पानी जो कुछ भी आप रखते हो ना वो गर्म रहती है, तो मैं कहा मैं उसमें दे जाऊँगी क्योंकि घर में छोटे बच्चे, मैं भर भर नहीं आ सकती। तो फिर मैं वो देकर आई, फिर अब शाम को फिर गई मैं, अभी आई वहाँ की मैंने चाय वगैरह पी और मेरा सिर बहुत दुख रहा है बहुत ज़्यादा। और आज इंस्टाग्राम पे ना मेरी एक छोटी सी प्यारी सी सब्सक्राइबर 9th क्लास में, उनका वीडियो कॉल भी आया था तो मैंने उनसे बात भी की, काफ़ी अच्छा लगा। और वो 9th क्लास में अभी, तो मैंने उनको बोला अगर कोई भी हेल्प चाहिए पढ़ाई से रिलेटेड तो मैं आपकी हेल्प कर दूँगी, हाँ तो अगर शी नीड्स देन मैं उसको हेल्प कर दूँगी। तो काफ़ी अच्छा लगा उस टाइम पर। और बस अभी फटाफट से ना मैं सोच रही हूँ कि खिचड़ी बना लूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो नाइट ड्यूटी पे हैं। और आज अभी अभी न्यूज़ आई है, फिर से आपने सुना हो तो 1st क्लास से लेकर 8th क्लास तक के स्कूल जो 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे। यहाँ पे स्कूल खुल गए थे, आज वरुण गया था स्कूल में और फिर अब फिर से बंद हो गए हैं स्कूल। तो एक दिन गया वो स्कूल में और इसको बताया ना स्कूल बंद हो गए, बड़ा रो रहा था कि मम्मी स्कूल क्यों बंद हो गए, उसका घर पे मन नहीं लगता, स्कूल में तो सारे बच्चे आते उसको मन लग जाता है, पढ़ाई होती है, ऑनलाइन क्लासेस में इसको इतना मज़ा नहीं आता। तो कल की छुट्टी को देख के, कल 2nd सैटरडे है ना, तो उसी पर ये बोल रहा था कि नहीं मम्मी मेरे को स्कूल जाना है स्कूल जाना है। मैं कहा बेटा कल तो छुट्टी है। फिर अभी अभी मैसेज आया कि 1 से 30 अप्रैल तक जो है वो स्कूल बंद रहेंगे 8th क्लास तक के। चलो बातें बहुत हो गई हैं और सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। मेरे बर्तन भी रखे हैं चाय वगैरह के, और दिन में बच्चों ने जो खाना खाया था ना लंच किया था वो भी रखे हैं, क्योंकि आज मैं 4 बजे गई थी वहाँ मकान पे और अभी आई हूँ मैं, आके चाय पी है मैंने। और बस भाई बातें बहुत हो गई हैं, कर लेते हैं। सो गाइस बर्तन मेरे जो है वो क्लीन हो गए हैं, और ये देखो मैंने यहाँ पे भिगो के रखा हुआ है खिचड़ी के लिए दाल और चावल, बर्तन मेरे क्लीन हो गए हैं। अब एक चीज़ मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये देखो ठीक है। और अभी ना अब ये देखो ये मस्ती को क्या कर रहा है, ये देखो भाई कि ब्रश कर रहा है। दिन में ना पता नहीं 10 बार करता है 20 बार करता है, मुझे खुद रे आइडिया नहीं है। जब भी इसको मौका लग जाता है कि उस रूम का दरवाज़ा खुला है, ये यहाँ से चेयर उठाता है वहाँ से चेयर उठा के लाता है, और यहाँ पर ये देखो ब्रश करो, चलो अपने आप ही करने लग जाता है ब्रश। ये देखो क्या कर रहा है, फिर ये अभी देखो ये मस्ती में क्या ये तो रोटी का लगा हुआ, अभी रोटी खाई इसने तो ब्रश कर रहा है। होगी ब्रश रखो तू, अब नहीं रखना क्यों, लाभ बहुत होगी बेटा, और मॉर्निंग में कर लिए और ब्रश दे दे बहुत होगी क्यों। और आज सुबह ने इसने पता है एक ज़बरदस्त चटक कर दिया मेरे साथ, क्या किया सुबह नहीं दोपहर को जब मैं चाय देने गई थी ना उस टाइम पे इसने क्या किया, मैं ये फ़ोन ले रहा था तो मैं इससे फ़ोन लेना चाह रही थी, मैं कहा बेटा बहुत देख लिया अभी क्योंकि मेरे सिर में दर्द है ना, तो थोड़ा सा मैंने इसको फ़ोन दे दिया, मैं कहा परेशान नहीं करेगा। तो मैं जब चाय देने गई तो मैंने इसको बोला नहीं बेटा फ़ोन दे दो, मैं सोचा क्योंकि वरुण जो स्कूल से आ गया था तो मैं कहा चार्जिंग पे लगा के मैं इसको चली जाऊंगी और वरुण के साथ ये खेल लगा। जैसे मैंने इसको फ़ोन लिया ना मेरे मुंह पे ऐसा चटाक लगा है इसने बड़ा, और बस ये आगे आगे की उंगलियों का लगा था, बड़ा दर्द हुआ यार बताओ, इतना 2 साल के बच्चे के इसमें, सॉरी अभी 3 का हो जाएगा,
इतना दर्द हुआ ना मेरे को, आगे आगे की उंगली उसे लगाया इसने ऐसा टप दे बड़ा दर्द हुआ भाई 2 साल के बच्चे से आज तो थप्पड़ खा लिया, और अभी ना अभी मेरे सिर में आराम नहीं हो रहा, सो जाऊंगी ना तब जाके आराम होगा। सिर्फ ये वाला जो हिस्सा है ना राइट वाला जो ये आधा हिस्सा, ये इसमें पेन हो रहा है मेरे को बहुत ज़्यादा। बेटा ठुठी बंद कर दे, बहुत ब्रश होगी और मॉर्निंग में कर ली, ये देखो इसमें बस बहुत हो गया, अब मेरे को दे 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 दे, नहीं नहीं बहुत हो गया बेटा, नहीं नहीं गलत बात होती है, दे दो मेरे को, दे दो, नहीं 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 और ब्रश मत ले। देख भाई चलो भाई मैं एक बार इसको हैंडल कर लूँ और फिर उसके बाद मैं पहले तड़का लगाऊंगी और आपसे बाद में बात करूंगी। हेलो बोलो सबको, हेलो पूछी दे दे मम्मा, मम्मा दादा बुआ 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 बोलना बुआ बुआ। और हिमांक ने एक एक कांड और क्या कर दिया, ये देखो जो नीचे वाला दराज है ना टूटा हुआ तो ऑलरेडी था, ये वाला दराज ये देखो कैसे टेढ़ा मेढ़ा हो गया, ये देखो ऐसे, और ये ना इसके जो पेच वेच है ना ऑलरेडी निकले हुए थे, मैं इसको बार बार टाइट कर रही थी मैं इस पेच को, और आज ही मैं बर्तन साफ कर रही थी ना इसने ये निकाल दी पीछे से और फिर से ब्रश करने लग गया भाई। मैं पहले एक बार इसको हैंडल कर लूँ और सारी चीज़ें बाद में। अभी ना तड़का मैंने लगा दिया है, दोनों भाइयों के बीच चल रहा है झगड़ा और दियाबाती भी मेरी हो गई है, अभी मैं दिखाती हूँ, ये देखो दियाबाती भी मेरी हो गई है और यहाँ दोनों भाइयों के बीच चला हुआ झगड़ा, ये देखो क्या चल रहा है, बलून फुला रहा हूं, बहुत सारे बलून है मेरे पास। अच्छा ये बताओ स्कूल में मजा आया आज? हाँ बहुत ज्यादा मजा आया, वापस स्कूल में जाने का मन कर रहा है, लेकिन स्कूल की तो छुट्टियां हो गई, क्या करोगे। देखिए मैंने कहा था इसको बड़ा मन कर रहा है स्कूल में वापस जाने का, अब छुट्टियाँ होंगी वापस फिर से, क्या ऑनलाइन क्लासेस कैसे कह रहे हैं। वैसे ना अभी गवर्नमेंट की तरफ से आया है नोटिस, स्कूल की तरफ से अभी कोई नोटिस नहीं आया, तो आ जाएगा एक आज नहीं तो कल ज़रूर आएगा, क्योंकि कल तो सेकेंड सैटरडे छुट्टियाँ। और व्लॉग का भी एंड कर लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, हिमांक बाय कर दे बाय। कौन सी क्लास में होगा वरुण? सेकेंड में। और फर्स्ट क्लास में पोजीशन कौन सी आई? ये तो नहीं पता, ये नहीं पता, तो मैं आपको बता दूं वरुण अभी सेकंड क्लास में हो गया प्रमोट, और वरुण को फर्स्ट क्लास में सेकंड पोजीशन आई है। और हाँ बेटा रिजल्ट मैं नहीं जा पाई थी लेकिन मैडम ने व्हाट्सएप मेरे को कर दिया था। हाँ अच्छा अब इसको बात करनी है, बोलो ये क्या है? बुआ बुआ बोला, बू काने गुड मॉर्निंग बोलना, दादा बू, और गुड नाइट बोल दे, गुड नाइट बोल, दादा बू बोला। अरे दादा तो बोलता ही है, उसके आगे भी तो कुछ बोले ना। सो गाइस इनकी बातें ऐसे चलती रहेंगी और मेरा सिर का दर्द नहीं गया अभी तक। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, और जो फर्स्ट टाइम विजिट करा प्लीज लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन, टिल देन बाय बाय।